हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का इंग्लिश का अगली पोयम पढ़ने वाले हैं, द लिटिल प्लांट। ओके, आपने कभी कोई पौधा लगा के देखा है? बारिश का सीजन शुरू है, आपने कभी पौधा लगा के देखा है? तो अगर आपने लगा के देखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा नेचर जो है वो अच्छे से रहे, हरा भरा, और उससे हमें हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। तो चलिए आइए, ये एक पौधा कैसे लगाते हैं और इसको ये हमारे तरह ही कैसे ग्रो होता है हम देखते हैं। तो हमारे पोयम का नाम है द लिटिल प्लांट। ओके, यहाँ पे हमें रीडिंग करने के लिए बताया है, हैव यू एवर ग्रोन अ प्लांट, क्या आपने कभी किसी पौधे को बढ़ते हुए देखा है? हाउ डू वी ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ सीड, अभी ये सीड क्या होता है? सीड वो होता है जब हम कोई एप्पल या फिर कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसमें से कुछ तो भी ब्लैक कलर का ऐसे छोटा सा निकलता है, उसे बोलते हैं सीड, मतलब बीज। तो इस बीज से ही क्या बनता है? प्लांट बनता है और वो धीरे धीरे आगे चलकर ग्रो होने लगता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। रीड दिस पोएम अबाउट हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। तो इस पोएम से हमें पता चलने वाला है कि एक छोटे से सीड से बहुत बड़ा प्लांट कैसे ग्रो होता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग पोएम को। इन द हार्ट ऑफ अ सीड ब्यूरेड डीप सो डीप, अभी देखो इस सीड को क्या बोला गया है? हार्ट बोला गया है। जैसे कि हमारे शरीर में, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी में, कि हार्ट क्या करता है, सारे बॉडी को क्या करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है। तो हार्ट हमारे बॉडी में सबसे क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से सीड भी क्या है, एक प्लांट का हार्ट है और वो क्या करता है, ब्यूरिड डीप सो डीप, ब्यूरिड का मतलब पुट इनटू अ होल इन द ग्राउंड एंड कवर्ड। हमें क्या करना है, एक बीज लेना है, उसको ग्राउंड में, मतलब जहाँ पे मिट्टी अच्छी हो उस मिट्टी में उसको छोटा सा होल करके डाल देना है, उसके बाद उसमें उसके ऊपर मिट्टी को डाल देना है और उसे वहीं पे रख देना है। अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप, और उसके बाद क्या होता है, जब बारिश आती है, बारिश का पानी उस बीच पर गिरता है और उसके साथ साथ जो सन होता है, उसका जो सूरज की किरणें होती हैं वो भी उस पर गिरती है, तब क्या होता है, उस प्लांट में से छोटा सा पौधा क्या होता है, अंकुरित होता है, ठीक है, निकल के आता है। वेक सेड द सनशाइन एंड क्रिप टू द लाइट, वो क्या बोल रहे हैं, अभी तुम क्या करो सीड, जाग जाओ, क्योंकि सनशाइन क्या बोलते हैं उनको, जाग जाओ, जाग जाओ मतलब बाहर मिट्टी से आ जाओ। तो वो बाहर मिट्टी से आ जाते हैं, छोटा सा अंकुर उसको फूट जाता है। एंड क्रिप का मतलब होता है टू मूव क्विकली एंड स्लोली, और धीरे से क्या करो तुम वहाँ पे मूव करो, मतलब हिलो और धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने न्यू बॉर्न बेबी को देखे होंगे, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो बाहर आते बराबर चलने लगता है क्या? नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्यूट होता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, नाजुक भी होता है। उसी तरह से ये सीड भी होती है। तो सनशाइन क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, धीरे धीरे क्या करो, मूव करो। वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट, उसके बाद जो बारिश की बूंदे होती है वो क्या बोलती है कि जागो जागो, ठीक है, मैं क्या हूँ, आ गया हूँ। तो इस तरह से बारिश की बूंदे और सूरज की किरणें उस बीज को क्या करती है, अंकुरित करती है, मतलब वेकअप जगाती है। द लिटल प्लांट हियर्ड एंड इट रोज टू सी, लिटल प्लांट जो छोटा सा पौधा होता है वो क्या करता है, एंड रो इट रोज, रोज मतलब क्या, मूव अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ क्या होता है, पानी की बूंदे, बारिश की बूंदे और सूरज की किरणों के वजह से वो ऊपर की तरफ क्या होता है, आ जाता है। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी,
तब वो बोलता है कि वाह, ये जो पूरा वर्ल्ड है ये कितना ज़्यादा सुंदर है। लेकिन उनको कहाँ पता है कि पेड़ और पौधों से ही ये पूरा जो वर्ल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमें सुंदर दिखता है। इसलिए ये पौधे का एक एग्जांपल हमें दिया गया है। तो अभी आपको समझ में आया कि एक सीड से एक बड़ा सा पौधा कैसे बनता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं इसके न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स में हमें दिया है, सबसे पहले दिया है ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है पुट इनटू अ होल इन द ग्राउंड एंड कवर्ड। क्रीप का मतलब होता है टू मूव क्विकली एंड स्लोली। रोज का मीनिंग होता है मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करो। इन अ नटसेल, हु किसको बोला गया है, अ सीड को। वॉट इट ग्रू इन टू अ प्लांट, वो क्या कर रहा है, एक प्लांट में बढ़ रहा है। हाउ, विद हेल्प ऑफ सनलाइट एंड रेन ड्रॉप, किसकी हेल्प से, वो सूरज की किरणों से और बारिश की बूंदों से वो प्लांट सीड क्या होता है, प्लांट में रूपांतरित होता है। उसके बाद अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो रीड द सेंटेंस एंड राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वाला हमें क्या दिया है, द प्लांट वॉज अस्लीप इन साइड अ सीड। प्लांट क्या होता है, सीड के अंदर जो होता है वो सोया हुआ रहता है। तो ये हमें पोएम में बताया गया है। तो ये आएगा टी, मतलब ट्रू। उसके बाद सेकंड है, सनशाइन एंड अ रेन ड्रॉप आस्क द प्लांट टू वेक अप। सनशाइन और मतलब सूरज की किरणें और बारिश की बूंदें प्लांट को क्या करती है, उठाती है, मतलब उसको नया जीवनदान देती है। तो ये भी क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे आंसर इज टी फॉर ट्रू। थर्ड है, द सीड वॉज ऑन द ग्राउंड। जो सीड है, जो बीज है, वो क्या कहाँ पे लगाते हैं, ग्राउंड पे, जमीन के ऊपर। तो ये तो गलत है, हम जमीन के ऊपर नहीं लगाते हैं, हम जमीन के अंदर लगाते हैं, इन द ग्राउंड लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑन द ग्राउंड फॉल्स आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एफ। फोर्थ है, द लिटल प्लांट डिड नॉट हियर द सन एंड द रेन। द लिटल प्लांट डिड नॉट हियर द सन एंड द रेन, क्या छोटा सा पौधा सूरज की और बारिश की बातें नहीं सुनता है। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि वो तो उन्हीं की बातें सुनकर क्या हो जाता है, वेक अप, मतलब उठ जाता है। लास्ट है, द लिटल प्लांट केम आउट ऑफ द सीड। जो छोटा सा पौधा है वो सीड से बाहर आ जाता है। तो ये इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं, थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। ठीक है, हमें सबसे पहले पूछा है, टेल द क्लास हाउ यू ग्रो योर फर्स्ट प्लांट फ्रॉम अ सीड। क्या आपने कभी किसी बीज से पौधे को बड़ा हुआ देखा है? तो अगर आपने देखा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, हमने देखा है। वॉज इट इन योर गार्डन और इन अ पॉट, कहाँ पे देखा है, आपके गार्डन में देखा है या फिर पॉट में आपने किसी बीज को लगाया था और उसको पौधे को निकलते हुए देखा था। तो जिनके पास गार्डन होगा वो गार्डन लिखिए और जिन्होंने पॉट में लगाया है वो पॉट लिखने हैं। व्हाट प्लांट डिड यू इट ग्रो इनटू, तो आपने कौन सा पौधा आपके गार्डन में या फिर आपके पॉट में लगाया था। तो हम यहाँ पे जो भी प्लांट या पौधा आपने ग्रो होते हुए देखा है या फिर खुद से लगाया है उसका नाम आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो। यस, इन माय गार्डन आई हैव प्लांटेड फर्स्ट प्लांट एंड दिस नेम इज नीम ट्री। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, वर्क इन पेयर्स टॉक अबाउट हाउ यू लुक लाइक एज अ बेबी। आप अभी हमें बताइए कि आप जब छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तब आप कैसे दिखते थे एंड हाउ यू हैव चेंज टिल नाउ। तो जैसे कि मैंने आपको पोएम पढ़ाते हुए बोला कि छोटे बच्चे को हम जैसे देखते हैं तो वो बहुत ही क्या होता है, नाजुक होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें लिखना है कि बेबी क्या होता है, छोटा बेबी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा होते जाता है और खुद के पैरों पर खड़ा होने लगता है और थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है,
फिल इन द ब्लैंक्स, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स इन बोल्ड, टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लूज। मतलब हमें यहाँ पे बोल्ड में मतलब डार्क वर्ड जो दिया है उसका राइम हमें यहाँ पे लिखना है और इस इमेज से हमें वो पहचानना है, ठीक है, कि वो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, राइमिंग वर्ड क्या आएगा। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं द बियर स्लेप्ट अंडर अ डैश डैश ट्री। जो बियर है वो कहाँ पे सोया है, तो बियर का राइमिंग वर्ड आएगा पियर, पियर ट्री, ठीक है। सेकंड है द फ्रॉग जंप ऑन द डैश डैश। फ्रॉग कहाँ पे जंप कर रहा है, फ्रॉग लॉक पर, फ्रॉग और लॉग ये क्या हो गए राइमिंग वर्ड। थर्ड है द गोट सेल्ड ऑन द बोट। गोट और बोट ये क्या हो गए राइमिंग वर्ड्स। फोर्थ है द माउस हिड इन द हाउस। द माउस हिड इन द हाउस, इसमें माउस और हाउस क्या हो गए राइमिंग वर्ड्स। अगला है द डक वॉज स्केयर्ड ऑफ द ट्रक। डक जो है वो ट्रक से क्या हो गया घबरा गया, इसमें डक और ट्रक क्या है राइम वर्ड्स जो कि हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस और आंसर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।